बल्कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर एक बार फिर बीएसपी की दावेदारी पुख्ता करने की कोशिश की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से सदन में आज विपक्ष को ब्राह्मण वोट बैंक पर सीएम ने घेरा था, संजय सिंह जिस तरह से पलटवार कर रहे हैं, लगातार जातिगत राजनीति को तूल दे रहे हैं, अब मायावती भी मैदान में आ गई हैं। देखिए, ब्राह्मण इस समय सभी राजनीतिक दलों के पॉलिटिक्स के सेंटर में है और सारे दल ब्राह्मणों का सम्मान करने जा रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को। मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग करके ब्राह्मण दलित गठजोड़ बनाकर 2007 में बहुमत की सरकार बनाई थी और ब्राह्मणों में सतीश चंद्र मिश्रा उनके सबसे करीबी नेताओं में है, आज तक हैं और लगातार है पिछले कई दशकों से। तो मायावती का ब्राह्मण समाज के साथ जो लगाव है वो स्वाभाविक है, बहुत पुराना है और अब वो फिर ब्राह्मणों के लिए बोली है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है। मायावती अमूमन बीजेपी पर उतने हमले नहीं बोल रही है और योगी सरकार पर, लेकिन आज उन्होंने ब्राह्मणों के मामले में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये स्वाभाविक है कि मायावती ने वक्त की नजाकत को भांपा है और उन्होंने जो नब्ज है, जो ब्राह्मण समाज माहौल बनाने का काम करता है, ब्राह्मण को सम्मान देने की बात फिर उठाकर ये दर्शाया है कि ब्राह्मण इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम है और उसको चुनाव में इग्नोर जो करेगा वो नुकसान में जाएगा। जी वीरेंद्र जी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ब्राह्मण बीएसपी के साथ है, बीजेपी से नाराज है, इसका सियासी संदेश क्या जा रहा? देखिए, मायावती स्वाभाविक है, उनको ब्राह्मण को अपने पाले में लाना है, बोलेंगी ब्राह्मण बीएसपी के साथ है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो दल सत्ता में है बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो रहा है क्योंकि ब्राह्मणों पर अत्याचार की खबरें आ रही है, ब्राह्मणों के मर्डर की खबर आ रही है, ब्राह्मणों पर हमले हो रहे हैं और इसको लेकर सारा विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। अब मायावती फिर उसको, मायावती तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला एक बार कामयाब कर चुकी है ना, और वो दलित और ब्राह्मण और मुसलमान का फिर गठजोड़ बनाने की कोशिश में है, तो वो तो कहेंगे ही कि ब्राह्मण उनके साथ है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि ब्राह्मण हर दल में महत्वपूर्ण हो गया है और ब्राह्मण को यूपी बीजेपी में ये बताया जा रहा है बीजेपी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रही है, लिहाजा वो उनके साथ आए। तो ब्राह्मण केंद्र में है इस समय राजनीति के और आने वाले एक साल में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे किस तरह से यूपी में एक बार फिर ब्राह्मण पॉलिटिक्स धार देती हुई नजर आ रही है। बारी बारी से हर सियासी दल ब्राह्मण खेमे को अपने पाले में करने के लिए गोलबंदी कर रहा, सियासी बयानबाजी हो रही, वार हो रहा, पलटवार हो रहा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मायावती ने यहां पर ट्वीट किया है और कहा है कि ब्राह्मण समाज के प्रति बीजेपी की जातिवादी कार्यशैली से दुखी होकर अब इस पार्टी से अलग होकर व बीएसपी से जुड़ते हुए देखकर इन्हें ये कह रहे हैं कि तिलक तराजू की बात करने वाले अब परशुराम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समाज काफी बुद्धिमान है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। जिस तरह से आज सदन में सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों खासतौर पर सपा बसपा के ब्राह्मण प्रेम पर लेकर बयान दिया था, निशाना साधा था, उनकी तमाम कोशिशों को उन्होंने कोरी कवायदें करार दिया था, उसकी अगली कड़ी ये है कि मायावती ने ट्वीट करके ब्राह्मण राजनीति को तूल देने की कोशिश की।